वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस रखती है जो रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करता है या फिर फ्यूचर में करने की सोच रहा है। आप लोगों के द्वारा ही मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर हमें ये बता दो, हम फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, रेलवे में कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, हमारी इतनी परसेंटेज है, क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए? सर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारी इतनी परसेंटेज है, क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए? सर हम SC हैं, सर हम ST हैं, सर हम ये हैं, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारी इतनी परसेंटेज है, क्या हमें रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोगों की रिक्वेस्ट सुनी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स देखे और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप जानते हैं इस टाइम पर लगभग छः एरियाज में रेलवे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म निकले हुए हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग जो है 29-30 हज़ार के आसपास जो टोटल वैकेंसीज हैं अप्रेंटिसशिप की, सारी मिला के आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप लोगों का टाइम और पैसा दोनों चीज़ें वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि आप लोगों का पैसा जो बहुत ही मेहनत का है वो वेस्ट हो, आप लोगों का टाइम जो आप किसी और अच्छी जगह पे लगा सकते हैं वो आपका वेस्ट ना हो। यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो यही बताने जा रहा हूँ कि कितनी परसेंटेज वालों को रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करना चाहिए और किस कैटेगरी को देख कर यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक ऐसा डिपार्टमेंट पिक किया है जिसमें मिनिमम से मिनिमम आप लोगों की कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर 16 के आसपास ट्रेड जो है अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसके लिए कितनी कट ऑफ जाती है, और वही जो बच्चा इस कट ऑफ के 1-2% नीचे हो या फिर 1-2% ऊपर हो, 3-4 भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। अगर आप 3-4% भी नीचे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर लें, लेकिन अगर आप इससे नीचे हैं तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों का वेस्ट ऑफ टाइम होगा। हाँ, मैं जनरल और OBC कैटेगरी को बोलूँगा कि आप पीछे हट सकते हैं, बट जो SC ST वाले बच्चे हैं वो फॉर्म फिल करो क्योंकि उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। और बाकी मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है 50% का, 50% रखा जाता है, आपको पता होगा 10वीं क्लास का, वो नाम के लिए रखा जाता है। आप सोचेंगे कि 50% क्यों रखा गया, आप लोगों से पैसे हड़पने के लिए, ताकि आप लोग फी पे करें और डिपार्टमेंट के यहाँ पर मजे आ जाए, इसलिए जो है 50% क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों को पता नहीं रहता, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा ज़बरदस्ती के व्यूज़ मेरे चैनल पर बढ़े। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो सकता है वो बच्चा फॉर्म फिल करे। हाँ, बात अलग है कि अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता तो 50% मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न में तो जनरल OBC SC ST सब बिट जाएंगे, लेकिन जहाँ पर मेरिट की बात आती है ना, वहाँ पर ये 50% नाम मात्र हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखें, आप कोपा का देख लेते हैं पहले। कोपा में देखें अनडिजर्व की 82 है, 82 से थोड़ी सी ऊपर है, पॉइंट में रिपीट नहीं करूंगा। EWS की 71, OBC की 81, SC की 80, ST की जो है 77 है। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं थी इसलिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, PWD की देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं ये सिलेक्टेड वाले हैं, इतनी कटो वाले सिलेक्टेड के, ये जो है स्टैंड बाय पे हैं, मतलब इन्हें रोक दिया गया है, वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है। तो वेटिंग वाली पे मैं गौर नहीं कर रहा, मैं जो इन पे गौर कर रहा हूँ खाली। उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर स्टेनो है, इंग्लिश देख लें कितनी है, अनडिजर्व की 78, EWS की 61 है, OBC की 75 है। पॉइंट आप देख रहे हैं, जो पॉइंट के बाद शब्द है वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। SC की 76 है और ST की 73 है। स्टेनो हिंदी की देखें, फिटर की यहाँ पर ज़्यादा है, आई थिंक फिटर की ही सबसे ज़्यादा मुझे लग रही है, और जो इलेक्ट्रिशियन है इलेक्ट्रिशियन की भी मुझे जो है उसी के आसपास लग रही है, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ ट्रेड जो है यहाँ पर बहुत ही महंगी साबित हो जाती है। फिटर की देख सकते हैं आप कितनी है, रिपीट नहीं कर रहा मैं। इलेक्ट्रिशियन की देख सकते हैं आप कितनी है, स्क्रीनशॉट लेके आप जो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कट ऑफ का स्नैपशॉट लीजिए और देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, बेटर होगा कि आप यहाँ से स्नैपशॉट लेके, और जो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टनर जा रही है तो टनर की कट ऑफ कितनी हो सकती है, मशीनिस्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी हो सकती है, ये आप देख लें, ठीक है। तो इसका स्नैपशॉट ले लेना, और बाकी मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी अपडेट्स होती है, मतलब आप लोगों के कभी कभी क्वेश्चन के जवाब मैं दे नहीं पाता, जो तो दूसरे बच्चे एक्सपर्ट हैं वो बच्चे जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि वो बच्चे जो है आप लोगों का रिप्लाई दे देते हैं,
ठीक है, बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को जो है ज़रूर देख लेना अच्छे से, और पूरा का पूरा कट ऑफ देख लेना अपनी, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसी तरीके की आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है, क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट पढ़ ही लेता हूँ, और अगर टाइम मिलता है तो कमेंट में ही जवाब दे देता हूँ, या फिर आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देता हूँ जिससे कि एक बच्चे के साथ साथ जो है हज़ारों बच्चों के डाउट्स यहाँ पर दूर हो जाए। धन्यवाद।